كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكر الموت وقال في مقام آخر القبر روزة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام मिले खाक में अहल शाह कैसे कैसे मिले खाक में अहल शाह कैसे कैसे मकी हो गए बे मका कैसे कैसे हुए नामवर बे निशा कैसे कैसे हुए नामवर बे निशा कैसे कैसे तख्त आ रहा था जो कल आज वज़ीर खाक है तख्त आ रहा था जो कल आज वज़ीर खाक है आलम फानी का मंजर कितना इबरतनाक है। बुजुर्गों नौजवानों दीन के परवानों कुरान और हदीस के मस्तानों अजीज मुसलमानों अरबाब खास आम लोगों ने हर चीज में इख्तलाफ किया है और अपने अपने ख्यालात पेश करते हैं और अपना अलाहिदा अलाहिदा नजरिया बयान करते हैं। इख्तलाफ की दुनिया है मिसले मशहूर है जितनी मुंह उतनी ही बात यहाँ तक कि इस दुनिया ने खालिक अर्ज़ो समावात की ज़ात अक़दस को भी नहीं छोड़ा। किसी ने दो खुदा तस्लीम किए तो किसी ने तीन तो किसी ने खैर और शर के अलग अलग खुदा माने और मुशरिकीन अरब ने तो 360 खुदा माने और हिंदू मजहब के लोगों ने तो हद ही कर दी और कह दिया कि 33 करोड़ खुदा है। इसी तरह मजहब में तफरीक अकायद का झगड़ा नबूवत में इख्तलाफ हक बातिल और सच और झूठ का प्लेटफॉर्म बन गया। पूरी दुनिया का मुत्तफिक अलैहि फैसला है। मेरे भाइयों दुनिया में किसी भी मजहब किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो मुसलमान हो या काफिर हो या अमीर हो या गरीब हो मर्द हो या औरत हो अरब हो या आजम हो आलिम हो या जाहिल हो सबका इस पर इत्तफाक है कि मौत आएगी। यकीनन एक रोज कब्र का मेहमान बनना होगा जो दुनिया में आया कब्र की तरफ एक दिन जाएगा। न आया जो के बाकी रहा न सागर रहा न साकी रहा कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हर जानदार को मौत का मजा चखना पड़ेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता उस वक्त आया जबकि आप बैतुल मक़दिस की तामीर करा रहे थे। फरिश्ते ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम सुनाया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी फिक्र हुई कि रब्बुल आलमीन का पैगाम आ गया और बैतुल मक़दिस की तामीर अभी बाकी है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ऐ फरिश्ते अल्लाह से जाकर अर्ज करो कि ऐ अल्लाह तेरा बंदा सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़ी मोहलत मांगता है और वो इसलिए कि आपके घर की तामीर अभी बाकी है। वो बादशाह जो हवाओं पर हुकूमत करता था वो बादशाह जो परिंदों को अपने ताबे की हुआ था वो बादशाह जो जिन्नातों पर अपना हुक्म चलाता था वो बादशाह जो सारी दुनिया पे बादशाहत करता था आज वो जिंदगी की भीख मांग रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस का क्यों बहाना बनाते हो तामीर मुकम्मल कराना ये काम तो हमारा है। चुनांचे फौरन आपकी रूह कब्ज कर ली गई। कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअख़िरून सा'अतन वला यस्तक़दिमून जब तुम्हारा वक्त मुतय्यना आ जाएगा तो फिर तुम्हें एक लम्हा की भी फुर्सत नहीं मिल सकती। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलकुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा जहां कहीं भी तुम होगे मौत तुमको आ पकड़ेगी अगर से तुम मजबूत किलों में बंद हो जाओ। मौत का किसी को इल्म नहीं कब कहां और कैसे आएगी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं सामान 100 बरस का बल्कि खबर नहीं। काली कमली वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इदा असबहत फला तंजिरुल मसाअ व इदा अमसैत फला तंजिरुस सबाह व अद नफ्सक मिनल अमवात ऐ इंसान जब तू सुबह कर ले तो बस शाम का इंतजार मत कर और जब तू शाम कर ले तो सुबह का इंतजार मत कर और तू अपने आप को मुर्दों में शुमार कर। एक रोज हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बाहर पर थी रोजा रखी हुई थी अचानक मौत का फरिश्ता आदमी के शक्ल में आपके पास आया और कहने लगा ऐ रातों को जागने वाली दिन भर रोजे रखने वाली तुझ पर सलाम हो। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कौन है तेरी आवाज से मेरा कलेजा कांप गया। फरिश्ते ने जवाब दिया ऐ मरियम अलैहिस्सलाम तू मेरे मुतालिक ना पूछ
मैं बच्चों को यतीम करने वाला हूँ, मैं औरतों को बेवा बनाने वाला हूँ, मैं दोस्तों अहबाब से जुदा करने वाला हूँ, मैं मोहल्लात को खाली करने वाला हूँ, मैं बहादुर और बादशाहों की जान लेने वाला हूँ, और ऐ मरियम अलैहिस्सलाम अब आपकी जान लेने के लिए आया हूँ। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया थोड़ी मोहलत दीजिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल गए हैं, जरा उनको आने दीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल गए हैं, जरा उनको आने दीजिए। तो फरिश्ते ने जल्दी से जवाब दिया, मुझे जिस सांस में रूह कब्ज कर लेने का हुक्म होता है मैं उसी सांस में रूह कब्ज कर लेता हूँ, दूसरा सांस भी नहीं लेने देता। ये कहकर फौरन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हमेशा हमेश की नींद सुला दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब जंगल से आए तो देखा कि प्यारी वाल्लाह अल्लाह से जा मिली, तो जनाबे बारी में अर्ज किया, अरे मेरे मौला, जिस वक्त मेरी वाल्लाह का इंतकाल हुआ मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मेरी वाल्लाह को जिंदा कर दीजिए ताकि मैं उनसे कुछ बातें कर लूं। तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उनके वाल्लाह को अल्लाह ताला ने जिंदा कर दिया। उनकी वाल्दा को अल्लाह ताला ने जिंदा कर दिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वाल्दा से अर्ज किया, एक बार पूरा मजमा खड़े होकर जनाबे दिल खैराबादी साहब का नारे के साथ इस्तकबाल कर ले, नारे